भारत के कई तरह के पर्व हैं, लेकिन सभी में दिवाली का सर्वाधिक महत्व है। इस दिन कहा जाता है कि यदि आप शुभ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो अगली दिवाली तक के लिए लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं आती। साथ ही शास्त्रों में बताए टोने टोटके के उपायों से भी बहुत जल्दी ही लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने 7 उपाय दिए हैं, जिन्हें सभी राशियों के लोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या अधिक उपाय करने से दरिद्रता दूर होकर सुख संपत्ति का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान और भक्ति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं पहला वो उपाय जिसे करते ही बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दीपावली के दिन तेल का दीपक जरूर जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती अवश्य करें। आप किसी भी मंदिर या फिर हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। दूसरा उपाय, लक्ष्मी पूजन के समय हल्दी की गांठ भी साथ रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की ओर। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। चलिए जानते हैं चौथा उपाय। दोस्तों एक बार कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। किसी शिव मंदिर जाएं और वहाँ शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं चाहिए। पांचवा उपाय, दिवाली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। छठा उपाय, दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सातवां उपाय। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ लक्ष्मी जी का टू आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।